हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड एबी कैपिटल के एनालिसिस करेंगे और इसमें हम लोग कल के दिन होने वाले इम्पोर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट की बात करेंगे। अभी जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम यहाँ पे किया था एनालिसिस कि अगर इस लेवल से ये नीचे की ओर निकलता है और 100 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमें ये नीचे की लेवल्स दिखा सकता है। और यहाँ पे आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहाँ पे शार्प फॉलिंग हुई है, उसके बाद देख सकते हैं कितनी तेज़ी से नीचे गिरा है, क्योंकि बहुत टाइम से ये इसी लेवल के बीच में फंसा हुआ था। अगर हम लोग देखेंगे तो यहीं पे ये बहुत टाइम से ये टाइम स्पेंड कर रहा था और इसके नीचे जा नहीं रहा था। तो जैसे ही आज यहाँ पे एक ब्रेकडाउन इसको मिला है, शार्प फॉलिंग हुई है, अभी ये जिस लेवल पे टिका हुआ है ये एक यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि जैसे ही इस लेवल को ये ब्रेक करेगा, ठीक है, ये फिर और नीचे निकल जाएगा। यहाँ पे कल के दिन मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा इसको टच करने के बाद, थोड़ा ऊपर जाने के बाद टाइम स्पेंड करके अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे की हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर ये टच करके सीधे वापस चला जाता है तो हो सकता है यहाँ पे एक दो दिन टाइम स्पेंड करें एंड उसके बाद नीचे आए। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है कल के दिन, ब्रेक ये अगर आफ्टरनून के बाद अगर ब्रेक करता है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। उसके पहले ब्रेक करता है तो हो सकता है ये 93 के लेवल, 92 के लेवल से तुरंत ऊपर की ओर ये निकल जाए, इस बात का ध्यान देंगे। तो यहाँ पे कल के जो इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे हम उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कल का इम्पोर्टेंट लेवल्स है जो वो 94.45 का जब ब्रेकडाउन होगा उसके बाद होगा, क्योंकि ये यहाँ पे सपोर्ट जोन है, ठीक है। और ये जब सपोर्ट जब यहाँ पे ब्रेक होगा तभी यहाँ पे एक मोमेंटम हम लोग को नीचे की ओर देखने को मिलेगा। तो पहला यहाँ पे जो टारगेट होगा यहाँ पे, ठीक है, वो होगा स्कैंडल का लो और ये है 93.8 का, ठीक है, 93.8 का, और थोड़ा नीचे 93.45 का, ये हमारा पहला टारगेट होगा। और यहाँ पे जो दूसरा टारगेट होगा ये होगा इन कैंडल्स का लो जो कि है 92.55 का, ठीक है। एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर ये थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, जैसे मान लेते हैं कहीं यहीं पे ओपन होता है, ठीक है, और ओपन होने के बाद जैसे इसको टच करके थोड़ा सा ऊपर आ जाए, उसके बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद 15 मिनट का 4-5 कैंडल बनाने के बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो दोनों टारगेट हम लोग को बहुत तेज़ी से देखने को मिलेंगे। और इसी फ्लो में अगर नीचे जाता है तो हो सकता है पहले टारगेट के बाद थोड़ा सा ऊपर की ओर आके फिर ये टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे जाए। ऊपर की बात करें तो ऊपर अभी हम लोग को मोमेंटम थोड़ा लेट मिलेगा, और ऊपर मोमेंटम कम मिलेगा तो लास्ट स्विंग इसने बना रखा है अराउंड 96.5, ठीक है, अराउंड 96.5 के आसपास की यहाँ पे लास्ट स्विंग बना रखा है। तो जब इसका ब्रेकआउट ऊपर होगा तभी यहाँ पे अब हम लोग को ऊपर की ओर मोमेंटम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ऊपर की ओर जब मोमेंटम मिलेगा तो फिर से इसे जो रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो मिलेगा 97.75 से, 98.99 से मिलेगा, राइट। तो ऊपर की ओर के लेवल्स अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जैसे ये इसको ब्रेक करता है, ठीक है, तो जैसे ये 96.4 को ऊपर की ओर ब्रेक करेगा, ऊपर की ओर हम लोग को पहला टारगेट जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 97.3 का हम लोग को टारगेट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे दूसरा टारगेट जो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा ये कैंडल का यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस जो कि है 97.65। तो यहाँ पे हम लोग को दोनों लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर ये नीचे की तरफ ये अगर मोमेंटम करता है, ठीक है, होल्ड करके, तो हम लोग को अच्छा मोमेंटम मिलेगा और ये मोमेंटम यहाँ पे फिजिबल होगा और नीचे की ओर निकल जाएगा। लेकिन अगर ये ऊपर की ओर जाता है तो इन्हीं किसी लेवल से ये फिर से नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा और नीचे आ सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को ये बियरिस नज़र आ रहा है अभी। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए तो कोई भी डिसीजन आपको अपनी एनालिसिस के बाद लेना है। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।